साइकोलॉजिस्ट का पेशेंट एक छोटा सा लड़का अचानक से गायब हो जाता है। अब उसे लगता है कि वो उसी के घर में है, पर इसके पीछे बहुत सारे सीक्रेट्स थे। आज की हमारी मूवी थ्रिल एंड मिस्ट्री से भरी हुई है। इसका नाम है शटिन, जो 2016 की एक हॉलीवुड साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। एक्चुअल में क्या है ये मिस्ट्री जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होने पर हम देखते हैं मैरी और उसके हस्बैंड ये दोनों डिस्कस कर रहे थे। एक्चुअल में अपने बेटे स्टीफन को पढ़ाई के लिए कहीं दूर भेजने वाले हैं। ये अभी भी सोच रहे हैं। मैरी को लग रहा था कि शायद ही गलत डिसीजन है, पर उसके हस्बैंड कहते हैं हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। उन्होंने बहुत सारी चीजें ट्राई की थी, पर स्टीफन बहुत ही ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहा था। उसे दूर भेजना यही उन्हें सही लगता है। स्टीफन के जाने के बाद मैरी लेक के पास बैठकर उसके बचपन की सब वीडियोस देखती है। उसे उसकी याद आ रही थी। स्टीफन गाड़ी में अपने फादर पर बहुत गुस्सा हो गया। वो कहता है तुम ही ये सब चाहते हो, मदर कभी भी ऐसा बोलेगी नहीं। फादर कहते हैं ये तुम्हारे लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं, हम दोनों सिर्फ तुम्हारा भला ही चाहते हैं। स्टीफन डिस्टर्ब हो चुका था। फादर उसे संभालने की कोशिश करते हैं, पर इनकी फाइट में इन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। फादर की इसमें डेथ हो गई। स्टीफन पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो चुका है। अब थोड़े मंथ्स गुजर गए, पर स्टीफन में कोई भी सुधार नहीं हुआ। उसका सारा ख्याल ये मैरी को ही रखना पड़ता है। वो उसे खुद अपने हाथ से खाना खिलाती है, उसका सब कुछ उसे ही करना पड़ता है। टीवी पर हम नोटिस करते हैं यहाँ बड़ा सा स्नो स्टॉर्म आने वाला है। मैरी एक साइकोलॉजिस्ट थी, उसका एक छोटा सा लड़का जिसका नाम है टॉम ये एक पेशेंट था। एक्चुअल में टॉम के पेरेंट्स नहीं थे, वो फॉस्टर होम में रहा करता है। उसे सही नहीं लगता, बहुत सारा ट्रबल क्रिएट करता है, लड़कों से झगड़ा कर लेता है। उसकी इस ट्रबल्स की वजह से उसे अलग अलग फॉस्टर होम में शिफ्ट किया जाता है। इस बार भी थोड़ी टाइम तक वो मैरी का पेशेंट था। उसने स्कूल में कुछ बच्चों को मारा और उसका ट्रांसफर होने वाला है। मैरी कहती है कि मेरे साथ अगर वो और थोड़े टाइम तक थेरेपी करता रहा तो शायद हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। मैरी अपने हर पेशेंट को हेल्प करना चाहती थी। गवर्नमेंट के ऑफिसर ने सुना नहीं और टॉम को लेकर जाती है। नेक्स्ट डे में मैरी अपने खुद के साइकोलॉजिस्ट से बात कर रही थी। उसे कहती है कि वह स्टीफन को अकेले मैनेज नहीं कर सकती, अब उसे एक केयर हाउस में रखने वाली है। यहाँ बातों बातों में हमें पता चला कि एक्चुअल में स्टीफन को कहीं दूर भेजने का प्लान ये मैरी का ही था। वही के टाइम पर उसकी मदर और साइकोलॉजिस्ट नहीं हो सकती थी। उसे बहुत ही बुरा लगता है कि स्टीफन को उसने दूर भेजा और अब वो बहुत ही ज्यादा दूर चला गया है, इस हालत से वापस नहीं आ सकता। रात में जब वो स्टीफन को बात देती है तो पानी में डुबाकर उसने उसे मारने की कोशिश की, पर यह सिर्फ उसका एक ड्रीम था। वो इस ड्रीम से उठी, उसे बाहर कुछ आवाज आ रही थी। उसे लगा कि उसके गैराज में कोई घुस आया है। वो पुलिस को कॉल करती है, पर जब उसने देखा तो टॉम ही था, ये अपने फॉस्टर होम से भाग आया था। उसने पुलिस को घर आने से मना कर दिया। वो टॉम को घर में लेकर जाती है और गवर्नमेंट ऑफिसर को उसने कॉल कर दिया। टॉम फिर से सिस्टम में जाना नहीं चाहता था तो यहाँ से बाहर भाग गया। मैरी ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर ढूंढ नहीं पाई। अगली सुबह उसके घर पर पुलिस आए। वो कहते हैं इतने टाइम तक तो वो स्नो में था, अब तक शायद उसकी डेथ हो गई होगी। मैरी टॉम के लिए बहुत वरीड थी। आज रात फिर से उसकी नींद खुल गई। वो बाहर जाकर देखती है तो बहुत सारे रैकून्स का आवाज था। वो जल्दी से भागकर घर में आ रही थी, तभी एक हाथ ने दरवाजा बंद होने से रोक लिया। ये हाथ व्हीलचेयर पर स्टीफन का था। ये भी उसका एक सपना ही है। ये सब के पीछे का रीजन आपको आगे पता चलेगा। नेक्स्ट डे मैरी अपने और एक पेशेंट को ट्रीट कर रही थी। वो भी टॉम के बारे में बात करता है, कहता है अब तो उसकी डेथ हो गई होगी। बाहर मैरी इस पेशेंट के फादर से मिली। फादर का नाम था डग। डग ने कहा यहाँ अब बड़ा स्टॉर्म आने वाला है, तुम्हें यहाँ रहना नहीं चाहिए। मैरी ने कहा मेरा सन पैरालाइज्ड है तो हमें यही रहना पड़ेगा। डग मैरी को डेट के लिए पूछता है। मैरी ने कहा कि अभी अभी मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है। ये सुनकर डग को बहुत बुरा लगा, वो यहाँ उस पर गुस्सा हो गई थी। आज रात मैरी ने टॉम को अपने बेडरूम में देखा। उसके पास आकर उसे शांत रहने के लिए कहता है। वो आज रात रियलाइज करती है ये सिर्फ एक ड्रीम था। वो इन ड्रीम से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। वो अपने थेरेपिस्ट को कॉल करती है, कहती है वो सब कुछ बहुत ही रियल लग रहा था। थेरेपिस्ट कहता है आजकल तुम बहुत ही स्ट्रेस में हो, इसी वजह से ये सब चीजें इमेजिन कर रही हो। मैरी को लग रहा था कि शायद टॉम की डेथ हो चुकी है, उसका घोस्ट रात में उसे देखने के लिए आया था।
उसका साइकोलॉजिस्ट कहता है शायद तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो इसी वजह से ये तुम इमेजिन कर सकते हो। तुमने मुझसे पहले बात की थी कि जैसे स्टीफन बड़ा हो रहा है तो तुम्हें लगता है तुम उसे खो रही हो, शायद उसी के बचपन का रूप तुम्हारे सपने में आता है। मैरी भी इन सब बातों को जाने देती है। साइकोलॉजिस्ट ने उसे एडवाइस किया कि तुम अपने ब्लड टेस्ट करवा लो। उसके ब्लड लेने के लिए फिर एक लेडी आई, उसे कहती है तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई है, शायद उसकी हेल्थ यही रीजन है वो सब कुछ देख रही है। बाद में उसकी असिस्टेंट उसे मिलने के लिए आई। असिस्टेंट कहती है सुपर शॉप में मैं डग से मिली थी, उसने तुमसे जो भी बात की तो इसके लिए उसे बुरा लग रहा था। मैरी कहती कि मेरी ही गलती थी, मैं उस पर चिढ़ गई थी। उसने फिर डग को कॉल किया। रात में डिनर करते हैं, ये दोनों डिस्कस करते हैं कि जिस तरीके से बच्चे बड़े होते हैं तो लगता है कि वो अलग ही पर्सन है। यह हमें पता चलता है कि मैरी एक्चुअली स्टीफन की स्टेप मदर है। वो बहुत ही छोटा था जब उसकी मदर की डेथ हो गई थी। बचपन से मैरी ने उसे बड़ा किया है। वो जब आधी रात में उठी तो उसे स्टीफन कहीं भी मिल नहीं रहा था। लॉन्ड्री के हॉल से कुछ आवाज आता है तो उसे देखती है तो उसमें से एक हाथ उसे पकड़ लेता है। वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है और यही करते करते सो गई थी। सुबह उसे लगा कि शायद ये सब उसका सपना था। स्टीफन अपने बेड में है। वो जब उसके पास आई तो उसके गाल पर कुछ मार्क्स है, तो और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। साइकोलॉजिस्ट ने कहा तुम्हारी रिपोर्ट आने दो, फिर हम बात करेंगे। टीवी पर न्यूज आती है कि टॉम की डेथ हो चुकी है। उसे बहुत बुरा लगा। रात में अपने बेसमेंट में कुछ चीजें जब वो रख रही थी तो ऊपर डग आ गया। उसे कहता है आज रात टॉम आने वाला है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। मैरी उसे मना कर देती है। डग ने कहा कि टॉम की डेथ नहीं हुई, उन्हें जो लड़का मिला था वो कोई और था। मैरी को सुनकर अच्छा लगा। स्टॉर्म के लिए सब कुछ वो रेडी कर रही थी तो डॉग को यहाँ से जाने के लिए कहती है। रात में अपने थेरेपिस्ट से फिर से उसने बात की। थेरेपिस्ट उस पर बहुत ही गुस्सा था। वो कहता है तुम तुम्हारे मेडिसिन को मिक्स कर रही हो, अगर तुम्हें नींद की गोलियों की जरूरत थी तो मुझे बता देती, स्टीफन की गोलियां लेने की क्या जरूरत थी, तुमने अपनी और स्टीफन दोनों की जान खतरे में डाली। मैरी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अब वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी और वहां से चली जाती है। उससे उसका वीडियो कॉल ऑन रह गया है। बेसमेंट से उसे कुछ आवाज आई। ये वो देखने के लिए गई तो उसके पीछे टॉम था। तभी पीछे से स्टीफन आकर उसे बेहोश कर देता है। साइकोलॉजिस्ट ने स्काइप पर नोटिस किया कि स्टीफन घर में घूम रहा है, वो देखकर डर जाता है। अब स्टीफन ने डायरेक्टली मैरी को बांध दिया है। वो पूछती कि तुम ये कर क्या रहे हो। स्टीफन कहता है जिस तरीके से तुम मेरा ख्याल रखती थी अब वैसे मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैरी पूछती है क्या ये मेरा सब सपना है। स्टीफन कहता है कि नहीं, एक्सीडेंट के बाद मैं मूव नहीं करना चाहता था, तुम सब लोगों को लगा कि मैं पैरालाइज्ड हो चुका हूँ। मैंने फिर वैसा ही नाटक किया, सब कुछ परफेक्ट था, पर तभी टॉम आ गया। उसके लिए तुम मुझे दूर भेजना चाहती थी, मैं उसे घर में रहने नहीं दे सकता। मैरी कहती कि क्या तुमने उसे मार डाला। स्टीफन कहता है कि वो जिंदा है, पर तुम हमेशा मेरे अलावा किसी और कोई प्रायोरिटी देती हो। इस सब का मतलब है मैरी जो भी रात में देख रही थी कि उसके घर में टॉम है, ये सब सच था। स्टीफन से बचकर वो घर में छुप रहा था। बेसमेंट में एक टनल है, इसके बाद लॉन्ड्री रखने के लिए एक जगह है। ऐसे करते करते घर में वो छुपता रहता है। अब स्टीफन टॉम को मार डालेगा, यानी कि वो मैरी के साथ अकेला रह सकता है। साइकोलॉजिस्ट स्टीफन को देखकर डायरेक्टली अब मैरी के घर आ रहा था। उसने पुलिस को भी कॉल कर दिया। स्टीफन टॉम को मारने के लिए चला गया और मैरी के हाथ बंधे हुए थे। उसने बहुत ट्राई किया और अपने आप को छुड़ा लिया। स्टीफन मैरी को गोलियां देता था तो इसी वजह से रात में वो बेहोश हो जाती थी। उसे अजीब से सपने आते थे। मैरी बेसमेंट में आई। स्टीफन ने टॉम को बांध दिया है, उसे मारने के लिए अब वो रेडी हो रहा था। मैरी कहती है कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो। स्टीफन कहता है मुझे तुम टॉम के साथ रिप्लेस कर रही हो, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। मैरी उसे समझाती है तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। स्टीफन कहता है कि वो कोई भी एक्सीडेंट नहीं था, मैं तुमसे दूर ना जाओ इसलिए मैं कुछ भी कर सकता था। उसे लगता है उसने जानबूझकर अपने फादर को मार दिया। एक्सीडेंट के बाद उसे मेंटल प्रॉब्लम आ चुका है। मैरी जोर से स्टीफन को मारती है। टॉम को लेकर बेसमेंट बंद कर ऊपर आ गए। टॉम बहुत ही डर चुका था तो क्लोजेट में छुप जाता है,
मैरी बाहर जाकर ऐसा दिखाती है जैसे वो भाग चुकी है, पर वो फिर से घर में अंदर आ गई। स्टीफन ने बेसमेंट का दरवाजा तोड़ दिया, पूरे घर में उन्हें ढूंढ रहा था। उसने बाहर जाकर देखा तो मैरी के स्टेप्स उसे दिखे, पर वो बहुत ही स्मार्ट है। वो समझ गया मैरी अभी भी घर में ही है। वो हर जगह पर ढूंढ रहा था, तभी साइकोलॉजिस्ट वहां पर पहुंच जाता है। अचानक से स्टीफन उसके सामने आकर चाकू से उस पर वार कर देता है। वो कहता है, तुमने उसे कहा था कि मुझे दूर भेजना है, वो मुझसे प्यार करती है, हम दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। अब इसके बाद स्टीफन सारे घर को लॉक कर रहा था। वो ऊपर खिड़कियां बंद करने के लिए गया, तभी मैरी बाहर जाकर देखती है तो डग की बॉडी पड़ी हुई है। डग मैरी को डेट कर रहा था, स्टीफन को अच्छा नहीं लगा तो इसी वजह से उसने उसे भी मार डाला। मैरी ने साइकोलॉजिस्ट को जख्मी देखा। साइकोलॉजिस्ट कहता है, उसे जो भी लगता है इसे तुम हाँ कहो, इसी से उसे तुम कंट्रोल कर सकते हो। जल्दी से मैरी टॉम को किचन में लेकर जाती है, वहां की विंडो से उसे बाहर निकाल दिया। जल्दी से स्टीफन वहां पर पहुंच गया, वो टॉम को मारने वाला था। मैरी उसे रोक लेती है, कहती है अब वो दूर चला जा चुका है, अब सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे हमेशा के लिए। वो मैरी को भी हर्ट करता, तभी टॉम ने एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया। मैरी एक पैन से स्टीफन को घायल कर देती है। टॉम और मैरी फिर जल्दी से इस घर से बाहर निकल गए। स्टीफन अभी भी होश में था तो उनके पीछे भागता है। ये भागते भागते लेक की बोट के पास जा रहे थे। मैरी पीछे थी तो स्टीफन उस पर वार कर देता है। टॉम को मारने के लिए वो आगे चला गया। वो टॉम को पानी में डुबा रहा था। भागते भागते मैरी टॉम को बचाने के लिए आई। स्टीफन का ये हैमर लेकर उसे वो मार डालती है। मैरी तो स्टीफन को उसके एक्सीडेंट में लॉस्ट कर चुकी थी। जो स्टीफन लौट कर आया वो स्टेबल नहीं था। वो टॉम को मार डालता तो उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। हम देखते हैं मूवी में कुछ टाइम गुजर चुका है। मैरी टॉम को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लेती है। ये दोनों अलग सिटी में चले गए। टॉम उसके साथ खुश था। इसी तरीके से ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।